हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। अब तक हमने सुना डैनसन वी के साथ लव मेकिंग कर रहा होता है और इसके बाद वो दोनों एक हॉट नाइट स्पेंड कर रहे होते हैं, जहां वी तो डैनसन से शिकायत करने लगा था वो उसके साथ इतना रफ क्यों हो रहा है, वो उसे बाइट ना करे, मुझे टीज करना बंद करो, और वो ऐसे ही कह रहा होता है। उसका फेस जो पूरा रेड हो चुका था और उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे और वो काफी स्वेटी था, वो पूरा मैसी हो चुका था और वो लैनसन से और रुकने को कह रहा था। लैनसन तो उसी बात टाल देता है और बस यही कहता है वंस मोर। वी को काफी गुस्सा आता है, लैनसन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, अपनी मर्जी चलाता है, तो वो लैनसन को हर्ट करने लगता है। जितना लैनसन उसे पेन दे रहा है उतना ही वो लैनसन को देना चाह रहा होता है। वो अपनी नेल्स लैनसन के बैक में गराने लगता है। लैनसन तो उस समय वी की नेक पर बाइट किया जा रहा था। ऐसे ही चार पार्ट लॉन्ग और करने के बाद लैनसन थोड़ा सेटिस्फाई होता है और वो वी के ऊपर ही लेट जाता है। वी को थोड़ी राहत मिलती है, वो अभी भी लैनसन को अपने अंदर फील कर पा रहा था और वो काफी गहरी सांसें ले रहा होता है, उसे काफी हैवी फील हो रहा होता है। लैनसन जो उसके ऊपर इस तरह से लेटा हुआ था वो कहता है लैनसन मुझ पर से हटो, तुम कितना ज्यादा भारी हो, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा दम घुट रहा है, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो, हटो मेरे ऊपर से। ये सुन लैनसन पाउट करता है और वो वी के फेस को देखता है जिसके फेस से साफ पता चल रहा था वो कितना ज्यादा टायर्ड है। वो खुद को वी से अलग करता है। जब वो ऐसा करता है तो वी जरा सी आवाज कर देता है। लैनसन तब वी को दोबारा से कटर कर लेता है और दोबारा उसके साथ लेट जाता है। वो उसकी नेक पर फिर से अपनी नोज रब करने लगता है। तब वी कहता है लैनसन अब बस करो, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, मुझे टिस करना बंद करो। लैनसन तब कहता है ओके गुड नाइट, अब सो जा, और वो बड़े प्यार से वी को थपकियाँ दे रहा होता है। तो वी भी बड़ी आराम से लैनसन की बाहों में सो जाता है। वो दोनों काफी ज्यादा टायर्ड है तो वो दोनों सो जाते हैं और हम नेक्स्ट मॉर्निंग सीन देखते हैं, जहाँ हमेशा की तरह लैनसन वी से पहले जल जाता है और वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है और फिर वो वी को क्लीन कर रहा होता है। वो दोनों ऐसे ही कर रात सो चुके थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा टायर्ड थे। वो वी को क्लीन करता है तो वी मॉर्निंग करने लगता है, वो नींद में मॉर्निंग कर रहा होता है और कह रहा होता है लैनसन लैनसन। वो ऐसे ही धीरे धीरे लैनसन का ही नाम लिए जा रहा था वो भी नींद पे। ये देखकर लैनसन को काफी वार्म फीलिंग हो रही होती है। वो वी को क्लीन करता है, उसे अच्छे से फिर से लेटाता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। वो उसे इतना जल्दी नहीं जगाना चाहता था, वो उसे सोने देता है और खुद हमेशा की तरह वर्कआउट के लिए चला जाता है। और वो जब वापस आता है तो देखता है वी बेड पर अभी भी सोया है, वो भी हाथ पैर फैलाकर, उसकी अपर बॉडी सो हो रही होती है और उसके मुंह से जो लाल टपक रही होती है। वो एक लिटिल बेबी की तरह दिख रहा होता है, वो लिटिल बेबी की तरह सोया हुआ था। लैनसन उसे देख मुस्कुरा देता है और उसके पास आकर उसे कहता है वी बेबी चलो उठो, तुम्हें कॉलेज जाना है। वो उसे उठा रहा होता है पर वी उठने का नाम नहीं लेता, वो मुंह बनाता है। उसकी नींद बिगड़ रही होती है पर वो उठता नहीं है। विंग उठो, अब कितना सोगे, 8 बजने वाले हैं। लैनसन के बस इतना कहने की देर थी, अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। तो वी करवट लेने लगता है और वो जैसे तैसे ब्लैंकेट को खुद के ऊपर कवर कर लेता है। लैनसन तो कह रहा होता है वी क्या कर रहे हो, उठो, और वो उसके ब्लैंकेट को खींचने लगता है पर वी उसे पूरा अपने ऊपर कवर करके रखता है और उसे टाइटली पकड़ के रखता है और वो अपनी आधी अधूरी नींद में कहता है लज्जा सोने दो, मुझे मत जगाओ, सोना है मुझे। और वो ऐसा कहकर ब्लैंकेट को अपने सिर के ऊपर कर लेता है, वो अपना फेस पूरा कवर कर लेता है। तब लैनसन कहता है वी अगर तुम उठोगे नहीं तो मैं तुम्हें बाथटब में फेंक दूंगा। वी तो उठने को तैयार नहीं था। ये देखकर लैनसन उसे ब्लैंकेट सहित कैरी कर लेता है और उसे ले जाकर बाथटब में फेंक देता है। तो वी चिल्लाने लगता है बचाओ मैं डूब रहा हूँ बचाओ, वो अपने हाथ तो ऊपर उठा लेता है एंड देन उसे रियलाइज होता है वो तो बाथटब में है। उसकी तो सारी नींद उड़ चुकी थी और वो गुस्से में लैनसन को देखते हुए कहता है
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब लैंसन कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं तुम्हें बाथटब में फेंक दूंगा। ये सुन भी कहता है, तुम कितने क्रूर हो, कोई इस तरह किसी को जगाता है? तुम कितने बुरे हो डेविल, तुम सच में डेविल हो। ये सुन लैंसन कहता है, जो कहना है कहो पर जल्दी फ्रेश हो, तुम्हारे पास 8 घंटा है। और हाँ, ब्लैंकेट को धो देना, बेडशीट को चेंज कर देना, ये सारा काम खत्म करके जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये कहेगा तो लैंसन वहाँ से निकल जाता है। वी गुस्से में वहाँ पर करने लगता है, कल रात मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद मुझसे इस तरह का बिहेव कर रहा है, और वो उसे गाली देना शुरू कर देता है। और फिर वैसे ही वो फ्रेश अप होता है और जल्दी से जो भी लैंसन ने उसे करने को कहा था वो अपना काम खत्म करता है और वो रेडी हो रहा होता है। उसने पिंक कलर की हुडी और ब्लू कलर की जींस पहनी थी जिसमें वो काफ़ी प्रिटी लग रहा था। वो मिरर में खुद को देख रहा होता है, अपने बालों को सेट कर रहा होता है और अपनी नेक को देखकर वो परेशान होकर कहता है, मैंने कहा था लैंसन को मुझे बाइट मत करो, लेकिन नहीं, उसे तो मुझे बाइट करना पसंद है, पूरे नेक पे मेरे निशान पड़ चुके हैं। ये बाइट मार दो, इतनी जल्दी तो मिटेंगे नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो अपनी मेकअप बॉक्स निकालता है और उसे देख कर सहाय करता हुआ कहता है, अब मुझे इनका यूज़ करना होगा। फिर वो मेकअप करने लगता है। और फिर अगले सीन में देखते हैं वे जब पूरा रेडी हो जाता है तो वो नीचे उतर रहा होता है सीढ़ियों से, और वो बहुत धीरे धीरे से उतर रहा होता है क्योंकि उसे तो चलने में बहुत दिक्कत हो रही होती है, और वो बहुत आराम आराम से सीढ़ी उतर रहा होता है। जब लैंसन का ध्यान वी पर जाता है तो वो कहता है, मैंने तुम्हें आधे घंटे में आने को कहा था लेकिन तुम इतना लेट हो। और वो ऐसा कहकर वी के पास आ रहता है। वो वी के फेस को देखता है जो कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा होता है। वो उसके पास आकर उसकी लिप्स पर अपने थंब प्रेस कर रहा होता है और कहता है, आखिर तुमने आज इतना मेकअप क्यों किया है? ये सुन वी कहता है, मेरी मर्जी। और उसे गुस्से में घूरने लगता है। लैंसन कहता है, तो बिना कुछ किए इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, और आज तो कॉलेज में हर किसी की नज़र तुम पर ही टिकी रहेगी। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये सुन वी अपनी आँखें रोल करता हुआ कहता है, लैंसन कुछ भी, तुम बिना बात के पॉसेसिव हो रहे हो, और वैसे भी तुम्हारे डर की वजह से कोई भी मेरे आसपास भी आता नहीं है, और अब तो हमारी मैरिज हो गई है। वी अपनी फिंगर दिखाते हुए कहता है जिसमें उनकी इंगेजमेंट रिंग थी। अब इसे देखकर तो कोई भी अब मुझे अप्रोच करने की कोशिश नहीं करेगा। ये सुन लैंसन उसकी फिंगर पर खिसका लेता है और कहता है, सो तो है। और वो वी को वेस्ट से पकड़ लेता है, अपने करीब करता है और उसकी लिप्स पर किस करने लगता है। वी तब उसे खुद से दूर करने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें अब लेट नहीं हो रहा है? ये तुम क्या कर रहे हो? लैंसन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसे डीपली किस करना शुरू कर देता है। एक लॉन्ग फैसिनेट किस के बाद तो वो दोनों किस को ब्रेक करते हैं। वी लैंसन की बाहों में ही खुद को झोंक देता है। लैंसन उसे कैरी कर लेता है और उसे देखकर कार के पास आता है। ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोलते हैं, लैंसन उसे कार में बैठाता है और खुद भी उसके साथ बैठ जाता है। ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है और कार चलने लगी थी। लैंसन कार में बैठा हुआ अपने कुछ वर्क करने लगता है, वो कुछ फाइल देख रहा होता है और अपने कुछ प्रोजेक्ट का काम कर रहा होता है। और वी बस अपना फ़ोन चला रहा था। ये देखकर लैंसन उसे भी अपना काम पकड़ा देता है, वो उसे फाइल अरेंजमेंट करने के लिए कह देता है, तो वी को ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ रहा होता है। थोड़े ही समय में लैंसन का काम कंप्लीट हो जाता है। वो वी से कहता है कि तुमने ये सारी चीज़ को अरेंज कर दिया? तो वी कहता है, हाँ ये पूरे हो गए हैं। और वो लैंसन को दे देता है उन फाइल को। चलो फाइनली ये सारे काम कंप्लीट हुए। मैंने क्या सोचा था मैरिज होने के बाद मैं हनीमून पर जाऊंगा, पर नहीं, भाई ने तो मुझे इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया, ऊपर से मुझे अपनी असाइनमेंट पूरी करनी है। वो ऐसा कहकर साई करता है। वी थोड़े लैंसन के ऊपर हंसता है और वो मुस्करा रहा होता है। ये देखकर लैंसन कहता है, तुम आखिर इतना खुश क्यों हो रहे हो? तो वी कहता है, कुछ भी तो नहीं। और वो विंडो से बाहर देखने लगता है। लैंसन तो उसे अपनी आँखें छोटी करके देख रहा होता है। कुछ समय बाद ड्राइवर कहता है, सर हम पहुंच गए। ये सुनकर वो दोनों कार से नीचे उतरते हैं। लैंसन कहता है, जब तुम्हारी क्लासेस खत्म हो जाए तो कैंटीन में मुझे मिलना। तब वी एक ओबीडिएंट चाइल्ड के तरह अपना सिर हमें हिलाता है। लैंसन उसके फॉरहेड में किस करता है। तब वी कहता है, अच्छा मेरी क्लासेस तो मिस हो गई है, मैं तो लेट हूँ।
ये सुन लैंसन कहता है, हाँ तुम ही तो नहीं उठ रहे थे, मैं तुम्हें कब से जगा रहा था, लेकिन तुम तो उठने का नाम ही नहीं लेते। ये सुनकर भी अब नमो गुब्बारे जैसा फुलो लेता है, जिसे देख लैंसन को हंसी आ जाती है और वो कहता है, तुम्हारी बस फर्स्ट क्लास मिस हुई है, नेक्स्ट क्लास को तुम अटेंड कर लो, चलो चलें। और उसके बाद तो वो दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं, वे कैंटीन में आते हैं और वो लैंसन को ढूंढ रहा होता है और वो एक प्लेस में आकर बैठ जाता है और लैंसन का वेट करने लगता है। वहाँ लैंसन तो नहीं आता, पर उससे पहले सुयंग आ जाता है और उसे देखकर कहता है, हे डियर, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। ये सुनकर भी अपना सर उठाकर सुयंग को देखता है और हमें शेर ला देता है। सुयंग स्माइल करता हुआ उसके पास बैठ जाता है। तब वी सुयंग से पूछता है, आखिर लैंसन कहाँ है। तब सुयंग इधर उधर देखने लगता है और कहता है, वो लैंसन, हाँ वो देखो वो आ रहा है। वो एक तरफ इशारा करता है तो वी उधर देखने लगता है, लैंसन आ रहा होता है। तब सुयंग वी से कहता है, लगता है तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। ये सुनकर वी सुयंग को देखने लगता है, पर वो कुछ कहता नहीं है। लैंसन वी के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। वो वी के लिए कुछ बोर्ड लाया था। वो प्लेट को वी की तरफ करते हैं और कहते हैं, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें पहले ब्रेकफास्ट के लिए नहीं पूछा, हम काफी लेट हो रहे थे, इसलिए तुम इसे खाओ। ये सुनकर वी स्माइल करते हैं और खाने लगते हैं। उसे काफी अच्छा लगता है। लैंसन को उसकी इतनी केयर है, उसे ये बात याद है उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। वी तो अपना फूड खा रहा होता है, लैंसन तो अपना क्रोलिंग पीते हुए सुयंग को घूरे जा रहा था। सुयंग को समझ आ रहा होता है आखिर लैंसन उसे गुस्से में इतना क्यों घूर रहा है। वो वी के बगल में जो बैठा है, पर वो अब कर भी क्या सकता है, वो इसे इग्नोर करके अपने हैमबर्गर को खाने लगता है। लैंसन कहते हैं, वी तुम और कुछ खाना चाहते हो, मैं मंगाऊँ। ये सुनकर वी कहते हैं, नहीं मेरा हो गया, और वो क्रोटिंग पी रहा होता है। तब लैंसन कहता है, चलो तुम्हारा हो गया तो चलो मेरे साथ। तो वी कहते हैं, पर क्यों, मेरी अभी एक नेक्स्ट क्लासेस है, मुझे उसे अटेंड करनी है। ये सुनकर लैंसन कहते हैं, तुम्हारी जब क्लासेस लगेगी तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अभी तो चलो मेरे साथ। और वो वी को लेकर गार्डन में आ जाता है। वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं। वी कहता है, तुम आखिर मुझे यहाँ क्यों लाना चाहते। तब लैंसन कहते हैं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए क्या मुझे वजह की जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही नहीं घूम सकता। वी तब कुछ भी नहीं कहता, लैंसन तो उसका हाथ पकड़कर चल रहा होता है। वी अपने मन में सोचा था, मैं तो आज बैनिंग से मिलना चाहता था, लैंसन के होते हुए मैं बैनिंग से कैसे मिलूंगा। ओह गॉड, प्लीज 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 लैंसन का कोई भी कुछ भी काम आ जाए, बस ये मुझे अकेला छोड़ दे। लैंसन की नज़र एक कपल पर जाती है जो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। वो देखकर स्माइल करने लगता है। वी ये नोटिस करता है लैंसन स्माइल कर रहा है, तो वो लैंसन की आइज को फॉलो करता है और वो देखते हैं लैंसन किसी कपल को देख रहा है, वो दोनों किस कर रहे हैं। तब वी कहता है, सेमलेस, किसी कपल को इस तरह से देखना अच्छी बात नहीं है, उनकी तरफ इस तरह से देखना बंद करो। ये सुनकर लैंसन कहता है, वो दोनों पब्लिकली ये सब कर रहे हैं तो लोग तो उन्हें देखेंगे ही ना, वैसे भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लोग उन्हें देखें, अगर वैसा होता तो वो लोग यहाँ पब्लिकली ये सब नहीं करते। इस पर वी कहता है, फिर भी तुम उनको इस तरह से नहीं देख सकते, उन पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये सुनकर लैंसन कहता है, तुमने सही कहा, मुझे उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि हम भी तो यही करने वाले हैं। और वो खींच कर वी को अपनी बाहों में ले लेता है। वी तो शॉक्ड हो चुका था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, लैंसन बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता। बट वाई, देखो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी थोड़ा चिल करो यार। ये सुनकर वी कहता है, जो तुम मेरे साथ घर में करते हो वो क्या कम है, जो तुम अब यहाँ पर भी शुरू होने वाले हो, अपनी ये परवट हरकतें बंद करो। लैंसन के हाथ तो वी के बट पर थे और वो उसे एस्केप किया जा रहा था और अपनी होपफुल आईज और बड़े प्यार से वी को देख रहा होता है और उसके फेस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वी अपना फेस पीछे कर रहा होता है और लैंसन को धक्का देने की कोशिश कर रहा होता है। तब लैंसन वी की बट बहुत जोर से स्क्रिप करता है तो वी चिल्ला पड़ता है, कमीने थोड़ी तो शर्म करो। उसकी तो चिक्स बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुके थे। वो फिर लैंसन के सीने में अपना फेस छुपा लेते हैं। लैंसन तब स्माइल करता है और कहता है, अच्छा चलो ठीक है। फिर वो दोनों एक बेंच पर आकर बैठ जाते हैं जहाँ लैंसन तो वी के गोद में अपना सर रख कर लेट चुका था। वी तो काफ़ी अनंग फिर कर रहा होता है। वहीं लैंसन वी के फेस को टच करता है, वी के कभी बालों को टच करता है और वो बस यही कहता है,
यू आर सो ब्यूटीफुल, और वो बस लगातार वी की तारीफ कर रहा होता है। वी तब स्माइल करने लगता है, पर वो वी लैंसन को चुप कराने के लिए कहता है, मेरी बर्जिंग करना बंद करो, आखिर तुम इस तरह से मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो। ये सुनकर लैंसन कहता है, मुझे किसी ने कहा था वाइफ को खुश करने के लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए, सो मैं वही कर रहा हूँ। यह सुनने के बाद वी लैंसन को एक स्लैप लगा देता है। उसने जो से नहीं मारा था, बस अपनी हल्के हाथों से लैंसन के गालों पर एक थप्पड़ लगाया था। लैंसन कहता है, आखिर तुमने मुझे मारा क्यों। तो वी कहता है, क्या आज तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं है, तुम इतना ज्यादा फ्री हो। पर मैं फ्री नहीं हूँ, मेरी क्लासेस हैं, पर तुम मुझे यहाँ ले आए हो और ये सारी फालतू की बातें कर रहे हो। ये सुन लैंसन मुंह बनाता हुआ कहता है, मैं तो बस तुम्हारे से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं जल्दी ग्रेजुएट हो जाऊंगा, उसके बाद भाई मुझे कंपनी में कोई हाई पोस्ट दे देंगे और उसके बाद मेरे पास काम का बल्टा रहेगा और मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बहुत कम ही मौके मिलेंगे। पर तुम होगी, मैं क्या बोलूँ, तुम्हारी तो अलग ही नखरे हैं। वो अपना मुंह वी की तरह गुब्बारे जैसा फुला लेता है। ये देखकर भी गुस्से में घूर कर उसे देखने लगता है। लैंसन तब स्माइल करता हुआ कहता है, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें कितनी ज्यादा प्यारी लगती हैं, जब तुम मुझे इस तरह से देखते हो तो मेरा तो दिल वो जोरों से धड़कना शुरू करता है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। लैंसन की ये चूजी लाइन सुनकर वे कहता है, चुप करो, बंद करो, तुम्हारे ये वर्ड बहुत ही बेकार हैं। और वो लैंसन की माउथ पर अपनी फिंगर रख देता है। लैंसन तब उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके फिंगर को अपने माउथ के अंदर ले जाता है और उसे लिख कर रहा होता है। वी खुद के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, तब लैंसन तो उसकी फिंगर पर बाइट करना शुरू कर देता है। तो वी कहता है, लैंसन बाइट मत करो, ये मेरी फिंगर है, कोई लॉलीपॉप नहीं जिसे तुम चूसे जा रहे हो, छोड़ो मेरे फिंगर को। वो अपनी दूसरे हाथ से लैंसन के बालों को खींचने लगता है, तब लैंसन उसे छोड़ देता है। तो वी कहता है, आ मेरी फिंगर, और फिर वो लैंसन के कपड़ों में अपनी फिंगर साफ करता है। तब लैंसन कहता है, कपड़ों को तुम्हें ही धोना है। ये सुनकर वी उसे खोल कर देखने लगता है। लैंसन तब अपनी बत्ती से दिखाने लगता है। वी गुस्से में कहता है, मैं जा रहा हूँ, और उठ के जाने लगता है। लैंसन कहता है, हाँ हाँ जाओ, तुम्हारी क्लासेस जो है। वी तब लैंसन को बदतमीज कहता है और उसे परवट और दिमाग इंसान कहता हुआ वहाँ से भागने लगता है। लैंसन कहता है, सुनो रुको। वी तब तुरंत रुक जाता है। लैंसन उसके पास आकर कहता है, तुम्हारी जब क्लासेस खत्म हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, मेरी आगे कोई भी क्लास नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ, ओके। तो वी ओबिडिएंटली हमें से हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। लैंसन भी वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर ये सीन कट होता है। अगले सीन में हम वी को देखते हैं जो वेंडिंग से बातें कर रहा होता है फ़ोन पर, उससे बता रहा होता है वो इस वक्त कहाँ है और उसे वो कहाँ लेने आए। तब थोड़ी देर बाद वेंडिंग भी वहाँ पहुँच जाता है। जब वी वेंडिंग को देखता है तो वो भाग कर वेंडिंग के पास जाता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। वो तो काफ़ी ज़्यादा चहक रहा होता है, उसके फेस में बहुत ही प्यारी चेयरफुली स्माइल होती है। वेंडिंग वी को खुश देखकर उसे अच्छा लगता है और वो कहता है, वी तुम सच बताओ, क्या तुम लैंसन के साथ सच में खुश हो। तो वी कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है, चलो हम चलते हैं। और वो दोनों अपनी पसंदीदा कैफे में आ जाते हैं जहाँ वो अक्सर आया करते थे। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें करते हैं, काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं। दूसरी तरफ लैंसन का सीन देखते हैं जहाँ लैंसन अपनी कंपनी में था और अपना काम कर रहा होता है। तो वे उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, वो उसे ओपन करके देखता है एंड उसे देखने के बाद तो उसे अपने सर पर तेज दर्द महसूस होता है, उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है। लैंसन को जो नोटिफिकेशन मिला था उसमें जो मैसेज लिखा था उसे पढ़कर लैंसन का दिमाग खराब हो रहा था। उस इतने से वर्ड ने लैंसन को बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर कर दिया था। उसमें लिखा था, ऐसा ही होता है जब आप अपने हस्बैंड से खुश ना हो तो अफेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है। लैंसन अपने फ़ोन को देख रहा था जिसमें वी की पिक थी और वो किसी को हग कर रहा था। दूसरे पिक में ऐसा दिख रहा था जैसे वो पर्सन वी को किस कर रहा है। अब तो लैंसन का दिमाग खराब होना ही था ना। उस पिक में उस पर्सन का फेस नहीं दिख रहा था। लैंसन अपने मन में सोचता है, वी ऐसा कैसे कर सकते हैं, कुछ ही दिन तो हुए हैं हमारे मैच को और वो ये अफेयर। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, पर जिस तरह से मैंने उसको फोर्स किया था। लैंसन को काफ़ी गुस्सा आता है
और वो टेबल में रखी चीजों को फेंकने लगता है और चिल्लाता है, फी मैंने तुम्हें मना किया था किसी के करीब जाने से। अब देखो कोई मुझे तुम्हारी इस तरह की फोटो भेज रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सच में तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर लेंसन चिल्ला कर कहता है अपनी गार्ड से, पता लगाओ वी इस वक्त कहाँ है। यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना।